और उस दिन खुशकिस्मती कह लें या बदकिस्मती कि मेरी आखिरी मुलाकात उस दिन हारून के साथ शाम को 5 बजे हुई। वो अपने हल्के से आया और वो दोपहर का खाना खा रहा था। वैसे मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी आज क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो उसे कहा कि अम्मी जी आज मेरा बहुत अच्छे जलसे हैं और आप ज़रूर उसको फेसबुक पे वॉच करें। तो मैं बाथरूम से वजू हरा करके निकली तो मैंने कहा कि ज़रा फेसबुक ऑन करें, मैं देखूँ कि उसका जलसा शुरू हो चुका होगा। तो मैं पार्टी की किसी एक लड़की ने फ़ोन की कि बाजी हारून भाई ठीक है, ज़्यादा तो ज़ख्मी नहीं है। फ़ौरन मैंने टीवी ऑन किया तो उस वक्त ये खबर चल रही थी कि जी ब्लास्ट हुआ है और हारून बिलोर ज़ख्मी है। मेरा इमीडिएट रिएक्शन ये था कि अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, क्योंकि ये मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक तारीख अपने आप को दोबारा रिपीट कर रही है। इससे पहले हारून के वालिद बशीर बिलोर जो मेरे हस्बैंड थे, यही खबर उनकी भी पहले चली कि ढक्की पे ब्लास्ट हुआ है और बशीर बिलोर ज़ख्मी है। मैं अपनी बहन के साथ थी, मैंने कहा कि अब हारून नहीं बचेगा। उससे बहुत मुझे डांट डपट की कि आप ऐसे नहीं कहीं, खैर हारून बच जाएगा, खुदा हम पे इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। मैं इमीजिएटली बड़े हाजी साहब के घर पहुंची, लेकिन कुछ उम्र कह लें या कुछ तजुर्बा कह लें या पास्ट हिस्ट्री कह लें, जब वहाँ पे जो माहौल था, सब लोग दुआएं करें, आप ये करें वो करें, हारून की कज़न उसके सारे रिश्तेदार, ये बेचारी भी थी, ये तो फौरन चली गई। बस मैं उसी वक्त कह दिया था कि हारून बचेगा नहीं, तो फिर इमीजिएटली आफ्टर 5 मिनट्स ये आगे इतलाएँ आना शुरू हो गई कि जी वो शहीद गए। और ऐसा साथ आप एक माँ के दिल को कभी मर नहीं जान सकता कि माँ के दिल में क्या होता है। मैं अपने ऐसा साथ आपको बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जितना अच्छा बेटा, जितना अच्छा बाप और हर रिश्ता हारून ने बहुत वफा से, प्यार से, ताबेदारी से किया है। बस एक माँ की हैसियत से मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह उसके बच्चों को उसी की तरह ज़िंदगी लंबी दे, लेकिन उसकी तरह उनको नेक अमल और अच्छा इंसान बने।